आपसे पूछा जाए कि क्रिकेट में सबसे यादगार छक्का कौन सा है, तो शायद आपके मन में जो पहला ख्याल आएगा वो होगा धोनी द्वारा वर्ल्ड कप 2011 के फाइनल में लगाया गया छक्का। लेकिन एक छक्का ऐसा भी है जिसने पाकिस्तान के गुरूर को चकनाचूर कर दिया था। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए इस मैच में ऐसा क्या हुआ कि माहौल कई बार बहुत ही ज्यादा गर्म हो गया था। ये कहानी शुरू होती है 2010 के एशिया कप के एक मैच से, जहां भारत का सामना चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से था। 2008 में मुंबई के ताज होटल में हुए अटैक के बाद ये भारत और पाकिस्तान के बीच महज दूसरा ही मुकाबला था। एशिया कप के इस मैच का महत्व बहुत ही ज्यादा था, क्योंकि जो भी टीम इस मैच को हारती उनके आगे के दरवाजे यहीं पर बंद हो जाते। भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले हर मैच में देश प्रेम की भावना काफी चरम पर होती है, क्योंकि दोनों ही तरफ से खिलाड़ी अपने देश का प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं। खैर, टॉस पाकिस्तानी कप्तान शाहिद अफरीदी ने जीता और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। ओपनिंग करने आए सलमान बट और इमरान फरहाद ने अफरीदी के निर्णय को बिल्कुल सही साबित किया और पहले ही विकेट के लिए 71 रनों की साझेदारी कर डाली। पाकिस्तान ने बड़े लक्ष्य की नींव रखी दी थी और ऊपर से उनके पास शोएब अख्तर, मोहम्मद आमिर जैसे रफ्तार के सौदागर भी थे। पाकिस्तान इस मैच में अपनी पकड़ बहुत ही मजबूत करता जा रहा था। भारत को दूसरा विकेट हासिल करने के लिए काफी इंतजार करना पड़ा। इस बीच सलमान बट और शोएब मलिक ने बाउंड्री के चारों ओर शॉट्स लगाए। देखते ही देखते पाकिस्तान एक विकेट के नुकसान पर 140 रनों के स्कोर के पार पहुंच गया। 28वें ओवर की आखिरी गेंद पर भारत की ओर से राहत लेकर आए जहीर खान। उन्होंने शोएब मलिक को 39 के निजी स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर दिया। कुछ देर बाद रविंद्र जडेजा के शानदार थ्रो से सलमान बट की पारी 74 रनों पर ही समाप्त हो गई। अभी पाकिस्तान इन झटकों से उभर ही नहीं पाया था। हरभजन सिंह ने उमर अमी तो रविंद्र जडेजा ने उमर अकमल को आउट करके पाकिस्तान के मध्यक्रम को बिल्कुल झकझोर दिया। पाकिस्तान 216 रनों पर अपने 6 विकेट गंवा चुका था। अंत में कप्तान अफरीदी के कुछ अच्छे शॉट्स तो वहीं विकेट कीपर बल्लेबाज कामरान अकमल के छक्कों ने पाकिस्तान को सभी विकेट खोकर 266 रनों तक पहुंचा दिया। अफरीदी ने 32 तो वहीं कामरान अकमल ने 51 रनों की पारी खेली। अब तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन आगे कहानी में अभी कुछ ट्विस्ट आने बाकी थे। आज के दौर में वनडे में 268 रनों के लक्ष्य को आसान समझा जाता है, लेकिन 2010 में ये आसान नहीं था, खासकर तब जब सामने वाली टीम के पास शोएब अख्तर, मोहम्मद अमीर, अब्दुल रजाक, शहीद अजमल जैसे खतरनाक गेंदबाज हों। खैर, भारत की तरफ से पारी की शुरुआत करने आए वीरेंद्र सहवाग और गौतम गंभीर। भारत की शुरुआत ठीक ठाक रही। सहवाग अपने चरित्र के विपरीत धीमी बल्लेबाजी कर रहे थे और अंत में 32 गेंदों पर मात्र 10 रन बनाकर अब्दुल रजाक का शिकार हो गए। लेकिन गंभीर एक छोर से लगातार पाकिस्तानी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इस बीच पाकिस्तान के रहस्यमय गेंदबाज शाहिद अजमल ने विराट कोहली को 18 रनों पर आउट करके भारत का स्कोर 82 रनों पर 2 विकेट कर दिया। भारत एक बार फिर मुश्किलों में फंस चुकी थी। अब बल्लेबाजी करने आते हैं भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी। गंभीर के साथ मिलकर धोनी समझदारी से भारतीय पारी को आगे बढ़ाते हैं। उस दिन ये किसी को भी एहसास नहीं था, इसी पार्टनरशिप का अनुभव भारत को विश्व विजेता का खिताब भी दिलाएगा। खैर, भारत तेजी से लक्ष्य के करीब जा रहा था, लेकिन इस बीच पाकिस्तानी विकेटकीपर कामरान अकमल बार बार गंभीर के खिलाफ अपील पर अपील किए जा रहे थे, ताकि उनकी एकाग्रता भंग कर सके। 34वें ओवर के आखिरी गेंद पर एक बार फिर से कामरान अकमल ने बहुत तेज अपील की, लेकिन अंपायर बिली बॉर्डर ने ड्रिंक्स का इशारा कर दिया। इस पर कामरान गंभीर को कुछ बोलने लगे तो इसका जवाब गंभीर ने भी दिया। देखते ही देखते कामरान गंभीर के बहुत नजदीक पहुंच गया। माहौल इतना गर्म हो चुका था कि यहां कुछ भी हो सकता था, लेकिन अंपायर और धोनी के बीच बचाव के कारण किसी तरह मामला शांत हुआ। यहां से भारत को 97 गेंदों पर 101 रन बनाने थे और अभी भी 8 विकेट बचे हुए थे। कामरान के साथ हुई बहस के कारण गंभीर की एकाग्रता भंग हो जाती है और वो अगले ही ओवर में शाहिद अजमल द्वारा बोल्ड कर दिए जाते हैं। गंभीर की पारी 83 रनों पर समाप्त हो जाती है। अगले कुछ ओवरों में भारत रोहित शर्मा, धोनी और रविंद्र जडेजा के विकेट गवाह काफी मुश्किलों में फंस जाती है। आउट होने से ठीक पहले रोहित 22, जडेजा 6 तो वहीं धोनी 56 रनों की पारी खेलते हैं। भारत को जीत के लिए 29 गेंदों पर 49 रन अभी भी बनाने थे, लेकिन भारत अपने 6 विकेट गवा चुकी थी। क्रीज पर अभी भी सुरेश रैना मौजूद थे, उन्हीं का साथ देने हरभजन सिंह भी मैदान पर आ गए। इस उतार चढ़ाव भरे खेल में असली ट्विस्ट तो अभी आना बाकी था। 46वें ओवर में रैना ने शहीद अजमल के ओवर से 13 रन निकाले और 47वें ओवर की दूसरी गेंद पर हरभजन सिंह भी छक्का जड़ देते हैं। एक छक्के के बावजूद शोएब अख्तर मात्र 9 रन ही खर्च करते हैं। इन सब के बावजूद भारत को अभी भी 18 रनों पर 27 रनों की जरूरत थी, जो कि कहीं से भी आसान नहीं था।
48वां ओवर लेकर मोहम्मद आमिर आए। भारत इस ओवर में किसी तरह 11 रन बनाने में सफल रहा। अब खेल अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका था। 49वें ओवर का जिम्मा कप्तान शाहिद अफरीदी ने शोएब अख्तर को दिया। भारत को दरकार थी 12 गेंदों पर 16 रन की, लेकिन शोएब अख्तर ने कमाल की वापसी की। हरभजन सिंह को कई गंदे टॉन्ट कस दिए। इस बीच उनके बीच एक बार फिर से माहौल पूरा गर्म हो गया। भावनाएं अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। इन सब के बीच भारत को अभी 6 गेंदों पर 7 रनों की जरूरत थी और गेंद मोहम्मद आमिर के हाथों में थी। यहां से कुछ भी संभव था। ओवर की पहली ही गेंद पर मात्र 1 रन आया और दूसरी गेंद पर रनआउट के जरिए सुरेश रैना का विकेट। भारत की उम्मीदें एक बार फिर से धूमिल हो चुकी थी। भारत की उम्मीदों का बोझ लिए बल्लेबाजी करने आए प्रवीण कुमार। प्रवीण ने आते ही तीसरी गेंद पर 2 रन निकाले और चौथी ही गेंद पर 1 रन के जरिए इस ओवर में 4 रन जुटा लिए। अब भारत इस ऐतिहासिक जीत से मात्र 3 रन पीछे थी। ओवर की 5वीं गेंद लेकर आमिर दौड़ पड़े और पूरे देश की निगाहें अब हरभजन पर थीं। जैसे ही हरभजन ने अपना बल्ला घुमाया, गेंद मिड विकेट को चीरती हुई दर्शकों के बीच जा पहुंची। हरभजन ने छक्का लगाकर भारत को ऐतिहासिक जीत दिला दी। हरभजन ने हेलमेट उतारकर जब थर्ड मैन में खड़े शोएब अख्तर को देखकर जो दहाड़ लगाई, तो मैदान पर मौजूद सभी के रोंगटे खड़े हो गए। गंभीर की इस दमदार पारी के लिए मैन ऑफ द मैच का खिताब दिया गया, तो वहीं धोनी, हरभजन और रैना को काफी सराहना मिली। इस प्रकार भारत ने पाकिस्तान के गुरूर को चकनाचूर कर दिया। इस कहानी का कौन सा भाग आपको सबसे अच्छा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।